बाजार में उन्हें बेचता। पिछले कई दिनों से बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद को कभी इतनी सुर्खियां हासिल नहीं हुई जितनी कि उन्हें पिछले कुछ दिनों में हासिल हुई, जिसके पीछे की वजह है यूट्यूबर गौरव वासन, जिन्होंने बाबा की आर्थिक हालत को देखते हुए उनके लिए कुछ करने की ठानी और उनके बाबा के ढाबा को अपने यूट्यूब चैनल के जरिए फेम दिलवाया। लेकिन बाबा के ढाबा के बाबा को लगता है कि वो फेम ज्यादा दिन तक रास नहीं आया, तभी तो उन्होंने खुद को फेम दिलाने वाले यूट्यूबर के खिलाफ ही मालवीय नगर थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। बाबा ने गौरव वासन पर ही आरोप लगा दिया कि उनके नाम पर जो रकम आई थी वो उन तक गौरव वासन ने पहुंचाई ही नहीं। उसके बाद से ये मामला अभी तक गरमाया हुआ है। खुद पर लगे इन आरोपों के बाद गौरव वासन ने अपने बैंक के स्टेटमेंट को रिलीज कर दिया है। हालांकि गौरव वासन के उस स्टेटमेंट को भी फर्जी करार दे रहे हैं बाबा। सबसे पहले गौरव वासन का बाबा को 2 लाख रुपए का चेक देते वीडियो वायरल हुआ था, जिस बारे में पूरी बात गौरव वासन ने अपने वीडियो में बताई थी। अब गौरव वासन ने एक रेडियो चैनल से बात की है, रेडियो मिर्ची से गौरव वासन ने बात की और इस मामले को लेकर लोगों के मन में उठ रहे डाउट्स को क्लियर किया है। गौरव ने बताया कि उन्होंने बैंक में जाकर बाबा के साथ 73,600 रुपए की रसीद दी थी, जबकि बाबा ने इस बात को सिरे से नकार दिया है। बाबा कांता प्रसाद ने मना कर दिया है कि उन्हें ऐसी कोई रकम नहीं दी गई। अपनी बात को सच बताने के लिए गौरव वासन बैंक की सीसीटीवी फुटेज तक चेक कर लेने की बात कर रहे हैं। गौरव वासन का दावा है कि बाबा के अकाउंट में कुछ नहीं तो अब तक करीब 20 लाख से ज्यादा रुपए जमा हो चुके हैं। फिर रेडियो चैनल को दिए इंटरव्यू में गौरव ने अपनी जिंदगी की कहानी भी समझाई, बताया कि उनके पेरेंट्स भी ढाबा चलाते थे। गौरव ने बाबा को अपने दादा की तरह समझा था। जब आरजे ने कहा कि बाबा को आप एक जो बात कहना चाहेंगे वो क्या होगी, गौरव ने कहा कि नानक नाम चढ़ दी कला तेरे पाने सरबत दा भला, यानी कि पूरी दुनिया का भला हो। आरजे साइमन ने लिखा है, पुलिस ने गौरव वासन के खिलाफ केस रजिस्टर किया। गौरव ने मिर्ची को असल वजह बताई कि आखिर उसने बाबा की मदद क्यों की। आज गौरव वासन ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ट्विटर यूजर्स काफी दुखी दिखाई दिए। अरबाज ने लिखा, दुनिया का यही दस्तूर है, अक्सर जिसके साथ अच्छाई की हो पीठ पीछे हमला करने वालों की लिस्ट में सबसे पहले वही होता है। रितु सिंह भी गौरव वासन के इंटरव्यू को सुन काफी निराश नजर आईं, कहा कि इस घटना के बाद जो जेन्युइन लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स जरूर हर्ट हुए होंगे। मेघना गिरीश कामना कर रही हैं कि ये घटना कहीं गौरव और उनके जैसे अच्छे लोगों को अच्छे काम करने से रोक ना दे। हालांकि अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि गौरव वासन के सोशल मीडिया पर छाए इस इंटरव्यू पर आपका क्या कहना है। क्या आपको गौरव वासन के आंसुओं पर विश्वास है, या फिर क्योंकि बाबा गरीब हैं तो आप उन्हीं को सच्चा मानते हैं और मानते हैं कि जो कुछ बाबा ने गौरव वासन के खिलाफ किया वो सही किया। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।